भगवान श्री हरि विष्णु ने इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए कई अनेकों अवतार लिए हैं, जिनमें से 10 अवतार सबसे प्रमुख हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार के बारे में। इसके साथ ही श्री हरि के बाकी 9 अवतारों के बारे में भी जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। एक समय की बात है जब सृष्टि के नष्ट होने से पहले एक सत्यव्रत नाम के राजा तप कर रहे थे, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। वे बड़े ही उदार हृदय वाले और पुण्यात्मा व्यक्ति थे। एक दिन सूर्योदय के बाद राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी अचानक से उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। ये देखकर वे सोचने लगे कि इसको वापस सागर में डाल दो। लेकिन उस मछली ने कहा, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ये सुनकर राजा सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल मछली के रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। अब दूसरे दिन मछली राजा सत्यव्रत से बोली कि हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। तब राजा ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। फिर क्या था, कुछ समय बाद ये मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वह सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर समुद्र में डाला। उसके बाद देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को ये समझ आया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। फिर राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, मुझे आश्चर्यचकित करने वाले आप कौन हैं? तब मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे राजन, एक हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर हाहाकार फैला हुआ है, जिससे अज्ञान और अधर्म का अंधकार छा गया है। इसलिए मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से ठीक 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी और समुद्र उमड़ उठेगा, जिससे भयानक वृष्टि होगी और सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी होगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। इसके बाद राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे और ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आ गया और समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं में बाहर निकलने लगा और थोड़ी देर में संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी एक नाव दिखाई पड़ी और राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव में अनाज और औषधियों के बीज रख दिए। तभी मत्स्य रूपी भगवान ने दर्शन दिए और राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो आज हमारे धर्म में मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। जैसे ही प्रलय का प्रकोप शांत हुआ, मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद हासिल कर लिए और ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों के साथ साथ सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत का उद्धार किया। इसके साथ ही सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने सतयुग का प्रारंभ किया और राजा मनु के वंशज को मनुष्य जाति से जाना गया। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। नमस्कार।